वजीर बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिंह सईद गनी ने वजीर अला सिंह की हिदायत पर पोलैंड के मुख्तलिफ सरमायाकार कंपनियों के वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंह नजम शाह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंह सैयद खालिद हैदर शाह, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिंह सहेल कुरैशी, एमडी सिंह सॉल्ट वेस्ट इम्तियाज शाह, वाटर बोर्ड के सीईओ सलाहुद्दीन समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। मुलाकात में पोलैंड के मुख्तलिफ सरमायाकार कंपनियों की जल सिस्टम में पीने के साफ पानी ट्रीटमेंट प्लांट, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, बायोकेमिकल से बिजली बनाने समेत दीगर के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफिद करने के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी जो बगैर बिजली है पानी साफ करने में मददगार साबित हो, ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे रूरल इलाकों में पीने के साफ पानी की फरहमी में जदीद टेक्नोलॉजी मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाने के लिए भी आपकी मदद ली जा सकती है। पोलैंड के सरमायाकारों ने बताया कि पोलैंड के मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस पीने के साफ पानी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कोयले से बिजली बनाने, क्लाइमेट गार्डन, ड्रेन गार्डन टेक्नोलॉजी, माहौलियाती मॉनिटरिंग स्टेशन, बायोगैस में दिगर की बिजली के बगैर चलने वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ना सिर्फ इन शोबों को फरोग दिया जा सकेगा बल्कि सूबे को माहौल दोस्त भी बनाया जा सकता है।